ट्विटर ने आईटी रूल्स को फॉलो नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती है। आपको बता दें, नए नियम के मुताबिक सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ट्विटर की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी की जा रही है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में बताया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब तक आईटी नियम 2021 को लागू करने में नाकाम रही है। इस कारण अब से इसे मध्यस्थता के रूप में सुरक्षा नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने आईटी नियमों को लागू करने के लिए दिए गए 3 महीने के वक्त के बावजूद अफसरों की नियुक्ति नहीं की। केंद्र सरकार का कहना है कि ये हमारे देश के कानून का उल्लंघन है। मध्यस्थता का दर्जा खत्म होने की वजह से कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी डेटा के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके बाद अगर कंटेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए ट्विटर पर ही क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार ट्विटर को भारत में दूसरे एप्स की तरह प्रतिबंध कर देगी या वो अपनी सेवाएं दे सकेगा।